फोटोन क्या होता है? बंडल ऑफ एनर्जी, पढ़े हैं बचपन में ही पढ़े थे कि क्या होता है, इतनी से पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन क्या होता है? सिंपल सा, छोटे छोटे जो एनर्जी होती है पैकेट के फॉर्म में चलती है, तो उस पैकेट को क्या बोलते हैं, बंडल को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच इंटू न्यू। एच क्या होता है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, और ये क्या हमारा फ्रीक्वेंसी। अब न्यू इक्वल्स हम लोग पढ़े थे, एच सी वाई एम याद होगा हम लोग पढ़े थे, सी क्या होता, सी इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, हाँ एन लेमडा पढ़े थे, याद हम बताए होंगे एन लेमडा या न्यू लेमडा एक बार पढ़ चुके हैं। यहां से हम फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा क्या हुआ, एच सी वाई लेमडा। तो एनर्जी जो फोटोन के पास होती है वो कौन सी होती है, एच इंटू न्यू या सी एच सी बाई लेमडा। तो क्या समझे, सिंपल सा, फोटोन के पास एनर्जी क्या होती है, एच इंटू न्यू एच सी बाई लेमडा। अब नंबर ऑफ फोटोन हमको चाहिए पर सेकेंड, किसके लिए, पर सेकेंड के लिए। जो हमारे पास टोटल जो बीम आ रही है, उस बीम के पास क्या एनर्जी है, जो बीम आ रही है उसके पास जो एनर्जी है, या उसको कह दो पावर, पावर का मतलब क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम होता है हमारा पावर, ठीक है। तो जो पावर लेके ये बीम आ रही है उससे एक फोटोन को जितनी एनर्जी की जरूरत है उससे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा कितने फोटोन यहां से निकलेंगे पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू पी बाई ई, एकदम आसानी से। इसमें हर एक टर्म को समझोगे क्या क्या होता है। पहला क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन क्या होता है हमारा, लाइट का ही बंडल, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। किसके, जितना स्पीड लाइट की होती है उसी स्पीड से वो किसे, वैक्यूम में ट्रेवल करता है। लाइट की स्पीड क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जानते हैं। ये हमेशा किस पाथ को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन के पाथ को फॉलो करती है, ओके। रेस्ट मास फोटोन का क्या होता है, जीरो होता है। तो कह सकते हैं फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट कब, रेस्ट कंडीशन में फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब रेस्ट मास जीरो है, लेकिन काइनेटिक मास इसका कुछ होता है, मतलब बॉडी मोशन में है तो उसके पास मास होता है। मास ऑफ फोटोन कब, काइनेटिक मास हम लोग पास जानते हैं आइंस्टीन इक्वेशन से, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, पढ़े हैं कभी, पढ़े हैं। इसी को हम लोग एच इंटू न्यू भी पढ़े, एनर्जी इक्वल्स टू एच इंटू न्यू अभी जस्ट पढ़े थे कुछ समय पहले, वर्क फंक्शन में ही पढ़े थे, फोटोन को एनर्जी पढ़े थे। अब न्यू इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा भी पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। तो यहां से इसको और इसको यदि कंपेयर किया जाए, किसको, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाई दिस को, ठीक है, कर सकते हैं, दोनों इक्वल ही होगा ना कि नहीं होगा, या इसको हम कर ले एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहां से यदि रेस्ट मास की बात करते तो क्या हो जाता, मतलब काइनेटिक मास की बात करते तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर लिख सकते हैं यहां से, और यहां से लिखना चाहते तो क्या लिखते, यहां से लिखते एम इक्वल्स टू क्या, एच डिवाइडेड बाई सी लेमडा, ये लिखा जा सकता है, एच बाई सी लेमडा भी लिखा जा सकता है, एच न्यू बाई सी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो हमारा क्या हो जाए, काइनेटिक मास एम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एच न्यू बाई सी स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं एच बाई सी इंटू लेमडा। ये हमारा क्या है, वेवलेंथ, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, ये क्या है, काइनेटिक मास। तो यदि रेस्ट मास बोला जाएगा फोटोन का, तो रेस्ट मास फोटोन का क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा ध्यान रखना, लेकिन काइनेटिक मास क्या होता है, याद रहेगा बउआ, चलिए। अब पूछ रहा था मोमेंटम ऑफ द फोटोन, मोमेंटम क्या होता है, याद होगा एलिमेंट में पढ़े थे, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। अब हम जानते हैं एनर्जी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जान रहे हैं इसमें से सी को अलग रख लिए, तो एम और सी एक साथ और सी को अलग, मास इनटू क्या है, सी भी वेलोसिटी होती है, तो उसको मोमेंटम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी इंटू सी, लिखा जा सकता है एम सी की जगह पे क्या P और C का C, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई C, लिखा जा सकता है दिस, ये भी लिखा जा सकता है मोमेंटम इक्वल टू M इंटू C, तो जानते ही है।
और इसमें से हम पी को पी निकालना, तो पी को इस साइड डिवाइड करेंगे, ई बाई सी लिख सकते हैं, तो पी इक्वल टू ई बाई सी भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, एच सी बाई लेमडा। अब ई बाई सी करेंगे तो मतलब डिवाइडेड बाई सी, तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई लेमडा। तो ये भी हमारा एक इक्वेशन हो सकता है। पढ़ चुके सब जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसी को क्या करना, सिर्फ यूज करना कि कहाँ किसको लगा सकते हैं, ठीक। तो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि हमारा ई इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ही तो होता है। तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हमारा एनर्जी क्या होगा, हाई होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी लो होगी। सो द एनर्जी ऑफ द फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन द फोटोन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट जब पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे बोला जाता है कि जब जब क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, तो उस समय हमारा क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि क्या नहीं होती है, चेंज फ्रीक्वेंसी। तो कह सकते हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन डज नॉट चेंज, कब, जब वन मीडियम टू अनदर, रिफ्रैक्शन में क्या होता था, रिफ्रैक्शन शायद टेंथ में भी पढ़े होंगे, तो रिफ्रैक्शन क्या होता था, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो नॉर्मल से तब झुक जाती है या नॉर्मल से क्या होती है, दूर चली जाती है, इसी को रिफ्रैक्शन पढ़ते थे, पढ़े थे कभी, याद है। तो क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगा फोटोन का, चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे वेलोसिटी चेंज हो सकती है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। लाइट लाइट में वापस से पढ़ेंगे, तो वेवलेंथ ऑफ द फोटोन चेंज इन डिफरेंट मीडियम, वेवलेंथ चेंज हो सकता है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। सो द वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। लाइट में भी पढ़ेंगे, वेवलेंथ चेंज हुआ तो क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होती है। फोटोन आर इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। फोटोन में सो डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन पढ़े हो कभी, चलो आगे पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, लाइट में फेनोमेना पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन अच्छे से पढ़ेंगे। फोटोन नॉट डेविएटेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि लाइट को किससे लेके, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से लेके जाए, तो फोटोन क्या है, बंडल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। तो वो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है फोटोन की, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या जानते हैं, E इक्वल्स टू क्या जानते हैं, E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई ई लिख सकते हैं। तो एच सी बाई ई ऑप्शन सी, इसमें कुछ तो करना नहीं था। चलो अभी चलो हम बता रहे हैं फिर से, E इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, हमको किसके किसके टर्म में लेना है, और इसी को हम लोग लिख सकते थे क्या, एम इंटू सी इंटू सी इक्वल्स टू पी इंटू सी। एनर्जी इक्वल्स टू, और हम लोग क्या जानते हैं, पी सी इक्वल्स टू कितना, एच सी बाई लेमडा। तो हमको पी पूछा जा रहा है, तो पी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सी से सी साफ एच बाई लेमडा। और क्या जानते हैं, सी इक्वल्स टू कितना जानते हैं ना, तो लेमडा वन बाई लेमडा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वन बाई लेमडा इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, न्यू बाई सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एच न्यू बाई सी। तो अब तो है आंसर, चलो देखो एनर्जी ई इक्वल्स टू, अभी जस्ट हम लोग निकाले थे पी इंटू सी, हमसे क्या पूछा जा रहा है, मोमेंटम पूछा जा रहा है, पी इक्वल्स टू कितना, ई बाई सी। ई की वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी का वैल्यू कितनी होती है, थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड। अब इस दोनों के यूनिट को कन्वर्ट कर लोगे तो तुम्हारा जो ही यूनिट कन्वर्ट करके आंसर निकालोगे तो 5 इंटू तुम्हारा आ जाएगा, ये कन्वर्ट करके 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते हैं। तो ये यदि हम इसको कन्वर्ट करते तो लिखते 1 मेगा का मतलब डेका हेक्टो किलो मेगा 10 टू द पावर 6, और हमारा ई की वैल्यू डालते कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा एनर्जी है। अब ये हमारा नीचे हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर
8। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा